हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम प्लास्टिक की वजह से ऐसे खूबसूरत फ्लावर कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। ऐसे फ्लावर्स बना के आप बुके वगैरह में लगा सकते हैं और फ्लावर वास में भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है, छोटा बच्चा भी बना सकते हैं। इसके लिए बास्केट बना के जो हमारे पास वेस्ट वायर है उससे बना सकते हैं। ये येलो कलर मैंने 6 फीट में वायर लेके बनाया और ये ब्लू कलर मैंने 3 फीट के वायर से बनाया है। आपके पास जितना भी लंबा वायर है उतना बड़ा या छोटा फ्लावर आप बना सकते हैं। चलो देखते हैं फ्लावर कैसे बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैंने येलो कलर का वायर लिया है। आपको जितना लंबा फ्लावर बनाना है उतना लंबा वायर ले लीजिए, 5 फीट या 8-9, जितना वायर आपके पास बचा है उससे आप बना सकते हैं। अभी आपको ऐसे उंगली पर ये उल्टा साइड ऊपर होना चाहिए, ऐसे रोल करना है। इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 3 या 4 लाइन काफ़ी है। अभी इसे धागे से बांध लेते हैं। देखिए मैंने बांध दिया, आप ऐसे टाइट पकड़ सकते हैं तो बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये उल्टा साइड ऊपर है, अब इस वायर को इस होल के अंदर डाल के बाहर निकालना है। अब आपको ऐसे इसके ऊपर ऐसे घुमाना है बस। देखिए ये उल्टा साइड ऊपर है और राइट साइड है जो नीचे है। फिर से होल में देखे आपको निकालना है। उसके बाजू में ऐसे रोल करना है। वायर थोड़ा लंबा है, पतला हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा लंबा लिया है। मैं फिर से इसके ऊपर ऐसे रोल करना है, वायर को फिर से होल के अंदर देना है। बस आपको इसमें पूरा ये रिंग में आपको सर्कल में रोल करते आना है। आपके पास बास्केट बना के छोटा छोटा वायर बचा रहेगा तो भी आप उसमें 3 फीट 4 फीट में भी आप ये फ्लावर बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इससे पहले जो हमने फ्लावर बनाया था उन सबसे ये बहुत ही आसान है। बस आपको देखिए ऐसे ऊपर रोटेट करते आना है। एक के ऊपर एक नहीं करना है, बस ऐसे उसके बाजू में ऐसे करते आना है। एक बार ऐसे रोटेट करना है, फिर होल के अंदर से वायर को बाहर लेके आना है। फिर से ऐसे रोटेट करना है। इसी तरह यहाँ तक पहले आप बना के लेके आइए। देखिए इस तरह पूरा एक राउंड बना दीजिए। मैं यहाँ तक बना के आपको बताती हूँ। देखिए एक राउंड मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है, जो हमने पहले राउंड बनाया था ना उसी के ऊपर फिर से हमें इस वजह से ऐसे ही रोल करते आना है। देखिए इसके
ऊपर ऐसे ही रोल करना है जब तक ये राउंड जो है सर्कल वो छोटा ना बन जाए, तब तक आपको ऐसे ही राउंड राउंड बनाते आना है। इसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रोल करते आना है। ये मैंने सर्कल बड़ा बनाया तो मैंने वायर ज़्यादा लिया है। अगर आप सर्कल ये सर्कल छोटा बनाते तो वायर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ये फ्लावर आप बड़ा या छोटा कैसे भी बना सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा लाइन बना रहे हैं। इसी तरह आपको जितना लाइन बनाना है बना सकते हैं। जब तक ये होल छोटा ना हो जाए तब तक आपको बनाते आना है। ये बहुत ही इजी है ये फ्लावर। इसके लिए बास्केट बार डाल के सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा जितना मेरे वायर में आएगा उतना लाइन डाल के आपको मैं बताती हूँ। देखिए मैंने ये फ्लावर अभी कंप्लीट कर दिया। ये होल जितना छोटा हो सके उतना छोटा होने तक आप बस आप वायर को रोल करते करते हुए ऐसे आइए। ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ा सा वायर ऐसे छोड़ कर काट दीजिए ताकि बाद में हम फ्लावर वास वगैरह बनाते वक्त उसके अंदर रखने के लिए आसान होगा। अगर आपके पास बीड्स या मोती है तो भी अभी बीच में लगा सकते हैं, वायर में इंसर्ट करके लगा सकते हैं। आप भी ये फ्लावर बना के देखिए, ये बहुत आसान है। मैं जल्द ही दूसरे वीडियो में आपको मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।